Good morning, student. Hope so you are fit and fine at your home. Welcome to Sunrise Virtual Classes, 10th class. So our subject is Information Technology. Subject code is 402. Now we are going to understand our chapter, Working with Accessibility Options. This chapter regarding to impaired persons. So now we are going to discuss in this chapter some options. So now we are going to discuss section 1. What is the computer accessibility? It refers to the user friendliness of the computer system for all. Means जो हमारा computer है वो सबके लिए friendliness हो जाए. Means सब everyone can use all the regardless of their disability, means जिसके अंदर कोई disability भी है. However, when a combination of the hardware and software, it enable a person with a disability or impairment to use a computer, it is known as accessible technology. Accessible technology means impaired person can use hardware and software. Okay, there are the numerous types of impairment that impact the computer use. These include, first is cognitive impairment and learning disabilities. कोग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर भी टू कैटेगरी हैं यहाँ पे, डलेशिया एंड ADHD. डलेशिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग एंड आइडेंटिफाई द वर्ड. मीन्स जिसकी इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डलेशिया. ADHD मीन्स अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. जिसके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम है, मीन्स पेइंग अटेंशन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ADHD. नेक्स्ट इज विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस. जिसके जिसके आईज में विजन्स हैं उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट. हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स डेफनेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोटर एंड डेक्सटरिटी इम्पेयरमेंट. डेक्सटरिटी इम्पेयरमेंट ऑल्सो फर्दर टू कैटेगराइज. फर्स्ट इज पैरालाइजिस एंड सेकेंड इज सेक्रीब्रेल पालेसी. इसमें क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, पैरालाइजिस मीन्स एनी डैमेज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड सम ट्रिम्बलिंग पार्ट ऑल्सो कम इन आवर बॉडी, दैट इज़ द पैरालाइजिस. इफेक्ट द मूवमेंट एंड मसल टोन्स एंड बैलेंस द पोस्चर. अगर कोई अपना बैलेंस पोस्चर नहीं कर पा रहा है या मसल्स टोन में प्रॉब्लम है या इफेक्ट जो मूवमेंट्स हैं उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइप की हम डिजीज को बोलते हैं सेक्रीबल पैलसी. नेक्स्ट, सो देर इज अ हाउ टू ओपन एसेसिबिलिटी ऑप्शंस. एसेसिबिलिटी ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले एंड माउस फंक्शनिंग. मीन्स एसेसिबिलिटी ऑप्शन क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल पैनल के अंदर ये यूज़ करता है किसको कस्टमाइज़ करने के लिए. कीबोर्ड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हो और माउस की फंक्शनिंग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो. कस्टमाइज मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. मैनी ऑफ दिस फीचर आर यूजफुल फॉर द पीपल विद द डिसेबिलिटीज आर डिस्कस अर्लियर. विंडो 7 एंड XP, हाउ कैन वी ओपन एसेसिबिलिटी ऑप्शन. लोन्स द एसेसिबिलिटी ऑप्शंस. फर्स्टली गो इन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन कंट्रोल पैनल एंड देन एसेसिबिलिटी ऑप्शंस आर द एसेसिबिलिटी ऑप्शन विंडो अपीयर. जैसे ही हम एसेसिबिलिटी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे देन आवर विंडो विल बी ओपन. नाउ इन विंडो 10 एंड विंडो 8, how can we launch accessibility option, then go to start button and control panel and there is edge of access center, the accessibility option window appear. Now we are discuss here according to window 10, then when we go and write here control panel, after that
SSC control panel will be display. All the system setting and all the software are installed there, and hardware also installed there. And there is a edge of SS center options. Then we click on edge of SS center, and after that we can see our screen, this interface. In this interface, there are the all settings are available. There is a start magnifier, start narrator, start on screen keyboard, and startup high contrast. Start magnifier, you can enlarge your screen according to you. And then start narrator means you can listen your auditory from your text. And next is start on screen keyboard, you can see the on screen keyboard, yani screen pe aapka jo keyboard hai, standard keyboard hai, wo visualize hoga. Set up the high contrast means which color in your interface, then same invert that color, okay. There are the all option available. Explore the all setting there, mouse setting, display setting, and without display setting, all setting you can apply there. Which setting you click, and then same functioning will be open. Now in this chapter we are going to discuss keyboard setting, display setting. Keyboard setting used for motor impaired person, and these key are used for the motor disabled persons. And after that, display tab means high contrast, means where the vision problem, then this setting we can apply. Now next is sound setting, means who are the deaf person, we can use these options. Mouse tab also your vision problem, and some motor impairment person you can use, they can use. Now first is we are going to discuss keyboard tab. Sticky key help the computer user with the physical disability, means जिसके अंदर physical disability है वो person sticky key का use कर सकते हैं. It is also used by the other as a mean to reduce the repetitive strains को दूर करती है ये. Allow the user press the and release modifier key, means जो combinations में key हम use करते हैं उन key को press और release कर सकता है कोई भी persons, जैसे shift control for window key and have it remain active until any other key. वैसे तो जो हमारी जो combinations की होती है, जैसे control plus A, इस type से हम press करते हैं, और इसमें हमें two finger की need होती है और ये एक साथ ही press करनी होती है. But using the sticky key you can press one key in one time and then release this key, after that you can press A key. Okay, so there is a sticky key option, you own this option from there, sticky key option. When you own this option, these four options also available. If you want from them, then you own these option. After that, these are our combinations key, we use these key with the combination. But using the shift sticky key, then we can press individually. When we press control plus A, then all text will be selected. But using the sticky key, press control key, after that release it and press A, so same function will be there. Okay, now next, keyboard tab filter key. Filter key tell the keyboard to ignore brief or repetitive keystroke, making the typing easier for the people with the hand tremors. जो filter key है, firstly तो ये क्या करती है, एक sound produce करती है. Sound produce के means which word you want to type, then same sound will be कम, मतलब सेम साउंड मीन्स सम साउंड विल बी प्रोड्यूस. ओके, व्हेन यू रिपीट एनी वर्ड, मीन्स सपोज इन रिपीटेड यू वांट टू डी प्रेस अगेन एंड अगेन, देन ओनली वन डी इज प्रेस एंड रिमेनिंग टाइम ही कांट यूज. सो
you can see how can we open our filter key. You can open from there, and there is a off option. You can on this option, filter key is on. Okay, now when your filter key is on, then if you want to press T, and it take the time when you enter this T again, then it not press, because you give the time here, by default time is 0.5 second. If you increase this time, then it consume that time, and after that you can press your repeated word. So it means filter key ignore the repetitive word and produce the sound which word you want to type. So next is our toggle key. Toggle key designed for the people who have the vision impairment and cognitive impairment. When the toggle key is turned on, computer emit cue when the locking keys. Means ये एक तरह से sound produce करता है toggle key. Means बार बार attention produce करता है कि आपने ये word type कर दिया, उसके बाद ये किया, ठीक है. और caps lock, num lock और scroll key are pressed जब आप ये key press करते हैं. A high sound is emit when the key is switched on. जब key switch on होती है, यानी caps lock key on है, तो high sound produce होती है, and low sound is emit when they are switched off. जब ये switch off होती हैं, तो ये low sound produce करती है. These are our toggle keys. Now, caps lock key, num lock key, scroll key are the toggle key. If you press caps lock to obtain all the capital letter, then pressing the caps lock again and turn it off. It now all the means जो आपने toggle key एक बार press कर दी, on कर दिया वहाँ से option, अगर आप दोबारा से caps lock की press करते हो, तो उसके बाद क्या होगा, वो automatically off हो जाएगी. Okay, and now all the lower case letter will be typed. और उसके बाद क्या होगा, आपके lower case के जो letter है वो type हो जाएंगे. Click on checkbox, turn on the toggle key on or off. Okay, now these are the option where you can use toggle key. You can open your toggle key. Okay, so I think you understand all the topics. Thank you, have a nice day.